नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता किशोर वार्ष्णेय जी से। आज हम किशोर जी से बहुत सारे राजनैतिक विषयों पर बात करेंगे, तो आइए बात करते हैं किशोर जी से। किशोर जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? पूरी 403 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने ग्रॉस रूट पे बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी की है जी। माननीय प्रियंका गांधी जी जो महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनके निर्देश पर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के कुशल संचालन में हम लोग हर इलाके में गांव-गांव पर ग्रास रूट पर लोगों को तैयार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस बार बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे। सभी 403 सीटों पर वर्तमान में हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में हम लोग प्रत्याशियों को 6 महीने पहले ही जो है घोषित कर देंगे जी। आपने कहा चौंकाने वाले परिणाम होंगे, मतलब तैयारियां जबरदस्त हैं। जी जी जी, बिल्कुल जबरदस्त तैयारियां हैं। प्रियंका गांधी जी ने रात दिन वो मॉनिटरिंग कर रही हैं और लोगों का जो जवाबदेही है, जो भी पार्टी के जितने भी हमारे जो जो जिनके पास जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी जवाबदेही है, उनसे जो है डे टू डे उनसे जो है रिपोर्ट ली जा रही है और मैं समझता हूँ इसके बड़े ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस के मुद्दे क्या क्या होंगे, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान पर आप लोग उतरेंगे? कांग्रेस के बुनियादी मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हैं वही रहेंगे, रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अस्पताल, कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार ना हो, किसानों को उनकी फसल का दाम दिया जाए उचित, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं मुद्दों को इस चुनाव में रखेंगे। जी बिल्कुल। किशोर जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन की राजनीति है वो अब फेल हो चुकी है या आप अगले चुनाव में भी कांग्रेस गठबंधन के साथ ही मैदान पर उतरेगी? देखिए, फिलहाल तो हम लोगों की तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की है। जहाँ तक गठबंधन की आपने बात की, ये तो हाईकमान तय करेगा कि अकेले चुनाव लड़ना है या गठबंधन से लड़ना है और हमारा मकसद ये रहेगा, समाज में जो आज सौहार्द समाप्त हो रहा है, समाज में जो आज लोकतंत्र विरोधी कार्य हो रहा है, तमाम संस्थाओं के माध्यम से जो लोगों को डराया जा रहा है, हमें उनको ख़त्म करके जो नैतिक मूल्य हैं उनको रखने के लिए आवश्यक होगा तो हम गठबंधन भी करेंगे, लेकिन ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ही होगा। जी बिल्कुल। आप एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आप मुख्य राजनीति से अलग रहते हैं, तो ये गुटबंदी क्यों आखिर? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ किसी भी हाल में। हम लोग पूरी तरीके से पार्टी के हर कार्यक्रम में मैं शामिल रहता हूँ और मुझे जो है बिल्कुल वरिष्ठ नेता के हिसाब से और विशेष रूप से जो है बुलाया जाता है, तमाम कार्यक्रमों का संचालन मैं करता हूं और मुख्य धारा में जो पार्टी के जितने भी, अभी आपने देखा होगा कि पिछले जून से लेकर लगातार अभी जनवरी आ रही है, इस दौरान हम लोगों ने विभिन्न समस्याओं को जनता की लेकर धरने प्रदर्शन किए और 21 FIR हम लोगों के खिलाफ लॉन्च हुई हैं। तो अगर हम पार्टी के से अलग होकर रहेंगे तो इन सब में हमारी सहभागिता ही नहीं रहेगी जी। तो जो 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन करेगा? देखिए, अभी तो हम लोग माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है जी कि संभवतः प्रियंका गांधी जी ही नेतृत्व करेंगी और अगर ये नेतृत्व करती हैं तो उत्तर प्रदेश के आम कांग्रेसजनों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और वो एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हैं, आप जानती हैं कि नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखती हैं
उनके परिवार के अनेक लोगों ने इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक के विकास में कुर्बानी दी है। उनके पिता ने देश की एकता के लिए अपनी शहादत दी, उनकी दादी ने शहादत दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रियंका गांधी जी नेतृत्व करेंगी तो ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेसजनों के लिए सौभाग्य का बात की बात होगी। जी बिल्कुल। क्या ये अच्छा नहीं होता कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो चुनाव से पहले होता? अभी ये हो नहीं पाया है तो कांग्रेस का कोई नहीं ऐसा। प्राची जी मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। हो सकता है कि अगले माह अधिवेशन हो दिल्ली में, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि इस समय कोरोना के कारण दिल्ली में परिस्थिति ठीक नहीं है, इसके मद्देनज़र भी। लेकिन मुझे जो अभी तक सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हम अगले माह एक अधिवेशन के माध्यम से, या अगर अधिवेशन कोरोना की स्थिति को देखते हुए ठीक नहीं रहता है तो ऑनलाइन राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने पहले इसलिए मना किया था कि अगर नेहरू गांधी परिवार से हट के कोई बनना चाहता है तो बने, लेकिन अभी तक कोई उस विकल्प सही मिल नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रश्न का ये जवाब है कि अगले वर्ष तो अगले माह राहुल गांधी जी हमको नेतृत्व प्रदान करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि नेहरू फैमिली से अलग कोई अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा कोई सामने नहीं आया, इसलिए राहुल गांधी की ही बनने की उम्मीद है अध्यक्ष की। लगभग ऐसा ही है, क्योंकि पूरे देश के कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि राजीव गांधी के पुत्र और वर्तमान में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पुनः अपना नेतृत्व हम लोगों को प्रदान करें। वो एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, संघर्ष करते हैं। आपने देखा होगा कि विपक्ष की भूमिका अकेले राहुल गांधी निभा रहे हैं। वर्तमान में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, जिस मजबूती से राहुल गांधी देश के लिए इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कोई भी नेता विपक्ष में नहीं निभा पा रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोगों को राहुल गांधी का नेतृत्व मिले। जी बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता कि जो कांग्रेस का संगठन है वो चुनाव के समय बनाया जाता है? बेहतर होता कि अगर 5 साल पहले मेहनत की जाए, 5 साल मेहनत की जाए तो? नहीं, ये पूरी तरीके से प्राची जी ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी पद संभाला है, महासचिव और प्रभारी पद उन्होंने जब से संभाला है, तब से जो नई कमेटी बनी है वो उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से इस समय संघर्ष कर रही है, और विपक्ष की मुख्य भूमिका उत्तर प्रदेश में तो वही निभा रही है। रहा सवाल केंद्र का अगर से ताल्लुक है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र में भी हमारी पार्टी संगठन बहुत जोरों से कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन एक विपक्ष जो है, एक मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप इस बात को मानते होंगे। जी। लेकिन पिछले कई हम चुनाव में देखें तो जो कांग्रेस का जो काम रहा है वो लोगों ने सराहा नहीं है, कि क्या है कि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ पाए हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से सदैव धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखा है। जी, हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देश की एकजुटता महत्वपूर्ण है, जो संविधान में वर्णित है कि हम सबको लेकर चलें आगे। वर्तमान सरकार सत्ता के लालच में सौहार्द को बिगाड़ रही है और वर्ग विशेष को आपस में लड़वाकर वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। और यही कारण है आज कि कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत नहीं कर पा रही है, और इसके खिलाफ जो योजनाबद्ध तरीके से वर्तमान सरकार चालें चल रही है उसका भी हमें कुछ उसका प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। जी किशोर जी, आप प्रयागराज और कौसाम्बी की 15 विधानसभा सीटों पर क्या संभावनाएं देखते हैं? अब अभी तो कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा प्राची। मैं आपको बता दूं कि जो भी स्थिति है, जिस तरीके से आज हम लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे, चाहे हाथरस के बलात्कार का मामला रहा हो,
चाहे अन्य मुद्दों पर महिलाओं पर अत्याचार रहा हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोजगार से जुड़े युवाओं की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस ने अपनी सशक्त भूमिका निभाई है। और इसको देखते हुए आज आम जनता कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से जुड़ रही है। और इसीलिए मैंने पहले भी जैसे कि आपसे कहा कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ पूरी जनता मजबूती से खड़ी हो गई है और जिस तरीके से अत्याचार ये कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे देख रही है। और यही कारण है कि आने वाले समय में हम लोग बहुत ज़्यादा सीटों पर आगे रहेंगे। और जहाँ तक इलाहाबाद और प्रयागराज और कौशाम्बी की आपने बात की, मैं समझता हूँ 15 से 15 सीटों में हम लोग आधी से अधिक सीटें जीतेंगे। किशोर जी, उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पर कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रही है या उठाएगी आगे? आप देख ही रही हैं इस समय तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। सरकार उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन हम सबसे बड़े मुद्दे जो आज उत्तर प्रदेश में है महंगाई का, आपको मालूम होगा कि सरकार में आने के पहले नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई कहाँ है। आज चंद लोगों के लाभ देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो उसको पूरी तरीके से कुचलने का काम किया है। तो हमारे जो मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भूख और लोगों का जो जीवन यापन के और जो चीज़ें हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे अस्पताल की हो, इन तमाम मुद्दों को ही हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और ये मजबूती से उठाते हुए हम जनता से अपना सहयोग चाहेंगे। बिल्कुल किशोर जी, पिछले 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस कभी जात में, धर्म में विश्वास नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 32 वर्षों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से धर्म जात के नाम पर पार्टियां आईं और उन्होंने जिस तरीके से लूटा है उत्तर प्रदेश की जनता को, मैं समझता हूं कि बितानिया हुकूमत ने आज़ादी के पहले भी इस तरीके की लूट नहीं की होगी। आज किसी भी पार्टी के नेता का अगर आप आकलन कर लें तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, चाहे पिछली बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो और चाहे आज भाजपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने देश, इन प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। और 32 सालों तक हम लोग, यही कारण है कि आज विपक्ष में रहे हैं और मजबूती से हम लोग जो है उभरे नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी सत्ता का मोह नहीं किया। हमारे लिए प्रदेश का विकास, प्रदेश के लोगों की खुशहाली, उनकी समृद्धि ही सब कुछ है, इसके लिए हमने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। किशोर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार आंदोलनरत हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रायोजित है, ये कितना सही है? मैं तो इसे हास्यास्पद मानता हूँ प्राची, आप समझ लीजिए। किसानों को जिस तरह से मोदी सरकार ने ठगा है, जिस तरीके से वादे झूठे करके उनको सब्जबाग दिखाए थे, आज किसान आर पार की लड़ाई के लिए वहाँ बैठा हुआ है। वो किसान पूरे देश का है और ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। इसमें किसी प्रकार से ये कहना कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, ये देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। सरकार इससे ज़्यादा और निम्न स्तर पर क्या गिरेगी कि आपने जब किसान शुरू में बैठे, आपने उनको आतंकवादी बताया, आपने उनको खालिस्तानी बताया, आपने उनको नक्सली बताया, आपने टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। आज किसान आपको इसीलिए मुँह तोड़ जवाब देने के लिए आपसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। और ये बड़ा आश्चर्य है कि ये पहली बार ये भी पता चल रहा है कि किसान सरकार किसानों के
हित की बात कर रही है और किसान अपना हित नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमको हमारे पुराने ही जो हमें जो हमारे हित जिसमें जुड़े हुए थे हमें उनको ही बरकरार रखने दो। आप उनको MSP नहीं दे रहे हैं, आप उनको फसलों का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं, आप उनके कर्जे नहीं माफ कर रहे हैं जो वादे करके आप सरकार में आए थे, तो इसलिए किसान आपको बड़े ही ठगा हुआ महसूस कर रहा है और आने वाले समय में आपको मजबूर होना पड़ेगा। तीनों काले जो विधेयक आपने पास किए हैं चोरी से बिना संसद को बैठा ले, उसका आपको वापस लेने के लिए आप मजबूर होंगे। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं प्राची, आप मुझे ये बताइए कि 99% आप उन तीनों कानूनों में बदलाव के लिए क्यों तैयार हैं अगर वो गलत नहीं है तो? लेकिन किशोर जी, सरकार कह रही है कि वो MSP समाप्त नहीं करेगी, इस बात का वादा कर रही है, तो फिर किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? MSP किसी हाल में नहीं ये वापस करेंगे, क्योंकि ये उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, अडानी अंबानी के अलावा ये आम जनता का हित नहीं चाहते, किसानों का हित नहीं चाहते। आपने देखा कि तीनों विधेयक पास होने के पहले ही आपने अडानी को ये आदेश कर दिया कि वो पूरे देश में भंडारण गृह बना ले। 18,000 से ज़्यादा भंडारण गृह किस लिए बने हैं? आज उद्योगपति के आगे आपको झुकना पड़ रहा है और उन्हीं उद्योगपतियों की बातों को चलते आप किसानों की तीनों कानूनों को वापस नहीं ले रहे हैं। आप MSP पर किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते। उद्योगपतियों को आप MRP देने के लिए तैयार हैं और आप दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ MSP पे आप समझौता नहीं कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए, मैं आपसे खुद प्रश्न कर रहा हूँ प्राची, कि जिस तरीके से आपने प्राइवेट टेलीफोन्स के क्षेत्र में, टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपने प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, आज BSNL का क्या हाल है? जिस तरीके से आपने दूरदर्शन में प्राइवेट चैनलों को आपने जो प्रोत्साहन दिया, आज दूरदर्शन की क्या स्थिति है? कोई देखने को पसंद नहीं करता, आज वो अपने हाल पर रो रहा। बैंकों की स्थिति यही हो गई, प्राइवेट स्कूलों को आपने प्रोत्साहन दिया, शिक्षा में जो है सरकारी स्कूलों का क्या हाल हो गया? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेट मंडियां करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि उससे किसानों की माली हालत बढ़ेगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। अब किसान भी बेवकूफ़ नहीं रह गया है और वो सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं किशोर जी, लेकिन हमने खबरों में पढ़ा है कि किसान जो है वो टावर तोड़ रहे हैं, तो इससे तो आम लोगों का ही नुकसान हो रहा है ना? नहीं, मुझे आप ये बताएं, किसान टावर तोड़ रहा है तो वो उसका अपराधी है। आप उनको दिल्ली में घुसने न दो, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सरकार 12-12 मीटर की सड़कें खोद दे रही है क्योंकि वो लोग वहां पे ना आए। आपने सड़कों को काट दिया, तो क्या ये राष्ट्रीय क्षति नहीं है? जी बिल्कुल है। तो ऐसे में अब इस तरीके की बातें करना बेबुनियादी हैं। टावर तोड़कर वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अडानी अंबानी को जिस तरीके से आपने प्रोत्साहन दिया है हम उनका विरोध करते हैं। और इसीलिए अंबानी ने अभी हाल में, आपको अगर ये ज्ञात होगा तो आप ये समझ रही होंगी कि अंबानी ने तो बयान भी दे दिया कि हमें किसानों के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई हमारा उससे संबंध नहीं है। जी बिल्कुल पढ़ा मैंने। जी। किशोर जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि विधानसभा की आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या लड़वाएंगे ही किसी कैंडिडेट? नहीं, देखिए परिस्थितियां प्राची ऐसा है कि अभी हमारे पक्ष में नहीं है जी। और जहाँ आप बैठी हैं ये शहर उत्तरी क्षेत्र आता है और पिछले 2007 से हमारे माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी यहाँ से विधायक रहे, इस बार हार गए चुनाव और उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अगले चुनाव में शायद लड़ें यहाँ से। यद्यपि हम लोग तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित हैं, अगर चुनाव में हमें
पार्टी नेतृत्व मौका देगा तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा, और अगर नहीं देगा तो मैं चुनाव जैसे लड़वाता हूँ उससे लड़वाऊंगा। जी बिल्कुल किशोर जी, मेरा आपसे सवाल ये है अगला, कि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण काफ़ी हद तक हो रहा है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? पूरी तरीके से असहमत हूँ। उत्तर प्रदेश की ये सरकार, आप अगर हाथरस के मुद्दे को ही देखें जी। ऐसा कभी आपने अपने आज तक के जीवन में प्राची नहीं सुना होगा कि किसी बालिका के शव को बिना परिजनों को सौंपने से पहले ही पेट्रोल डाल के जला दिया गया हो। आज अपराध की बाढ़ आ गई है, हर 16 मिनट पे एक अपराध होता है, बलात्कार, लूट, हत्या। अभी पिछले दिनों में जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं आपने देखा, परसों ही जो है दो इलाहाबाद में ही एक मिश्रा है, इंद्रमणि मिश्रा, उसको मार दिया गया, और शोरे पुस्ती के लोगों ने मारा उनको, आज उनके खिलाफ FIR तक नहीं हुई। तो ये क्या तरीका, आप क्या उम्मीद करती हैं कि आप अपराध कम हो रहे हैं? महिलाओं पे कोई अत्याचार आप नहीं रोक पा रहे हैं, लूट पर आप कोई अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, हत्या पे नहीं रोक पा रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि आप अपराधों पर अंकुश लग रहा है? आप मुझे बताइए, अगर अपराधों पर अंकुश लग रहा है तो आंकड़े तो आपके खिलाफ हैं। जी बिल्कुल किशोर जी, आपने हमें अभी बताया कि जो हमारी राजनीति है वो कैसे बदली, मतलब आपने हमें बताया कि नेहरू के समय के बारे में भी कुछ बातें बताई, इंदिरा गांधी के समय की भी बातें बताई, तो किशोर जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आप राजनीति में बदलाव क्या देख रहे हैं? राजनीति में इतना जबरदस्त बदलाव आया है कि आज सरकारों को खरीदा जा रहा है। जहां आपकी सरकारें नहीं हैं उन सरकारों को आप चलने नहीं दे रहे हैं। ये बदलाव हमने पिछले 7 वर्षों में देखा जी। इतना नैतिक पतन इस देश का कभी नहीं हुआ था, जहां विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है आपके पास और आम जनता के इलाज के लिए पैसा नहीं है, लोगों की फीस माफी करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वही सरकार विधायकों को और सांसदों को खरीदने के लिए झोलियां खोल दे रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव राजनीति में आया है, और आज इन मूल्यों को इतना गिरा दिया गया है कि सरकारें आपने देखी पिछले 7 वर्षों में 8 राज्यों की सरकारों को मोदी सरकार ने खरीद कर वहां अपनी सरकारें बनाई हैं। पहले कांग्रेस की सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता था। हमने राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए सरकारों को दांव पे लगा दिया। आप अगर देखें तो राजीव गांधी जी का अपराध क्या था कि पड़ोसी देश श्रीलंका में वहाँ जो एक आंदोलन उभरा था लिट्टे का जी। उसको कुचलने के लिए वहाँ की सरकार के आग्रह पर IPKF भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और इंडियन की पीस कीपिंग फोर्स उन्होंने इसलिए भेजा था कि हिंद महासागर में आने वाले भविष्य में शांति बनी रहे, क्योंकि लंका इज़राइल और अमेरिका जैसे खतरनाक देशों से मदद मांगने के लिए तैयार हो गया था जी। बाद में क्या हुआ कि हिंद महासागर में शांति बनी रहे, भारत सहित पड़ोसी देशों में भविष्य में कोई खतरा ना हो, इसके लिए उन्होंने IPKF भेजा, और इसी अपराध का उनको खामियाजा, अपनी जान को कुर्बान करके देना पड़ा। तो ये है बदलाव। देश की सरकारें इस समय आम जनता से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रख रही, कोई ताल्लुक नहीं रख रही हैं। उनको सत्ता चाहिए। कोरोना काल में भी आपने देखा कि सरकारें गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के दौरान गिराई गई जी। और लॉकडाउन वहां सरकार बनाने के बाद लगाया गया। ट्रंप को बुलाकर उसकी अवगत करने के लिए कोरोना के साथ समझौता किया गया। ये राजनीतिक पतन पिछले 7 वर्षों में हमें देखने को मिला है, ये बदलाव देखने को मिला है। मतलब आप ये मानते हैं कि जो राजनीति में बदलाव हुआ है वो पिछले 7 सालों में ज्यादा हुआ है?
इससे पहले व्यापक पैमाने पर पिछले 7 वर्षों में हुआ है और सारे मूल्यों को उन्होंने ताक पर रख दिया है। विपक्ष में जो जाता है वो अपराधी हो जाता है और भाजपा में जो जाता है उसके सारे अपराध धुल जाते हैं। जैसे गंगा में पाप समा जाता है ऐसे ही भाजपा में पापी समा जाते हैं। किशोर जी, लोकतंत्र चुनाव जो होता है जिसे लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, आपको क्या लगता है कि ये कुछ लोगों तक अब सिमट के रह चुका है? निश्चित तौर पे आपकी बात सही है प्राची। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र रह ही नहीं गया है जी। जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं को धमकाने में, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में उनके खिलाफ इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। CBI, ED, इनकम टैक्स, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ तक कि न्यायपालिका का भी सहारा अब सरकार लेने में कोई गुरेज नहीं रख रही है। इस समय जो स्थितियां बन रही हैं वो पूरी तरीके से विपरीत हैं। अगर आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो आपको आपकी आवाज को कुचलने के लिए वो सारे इन तरीके की संस्थाओं के माध्यम से आप दुरुपयोग करके आपको दबाने का काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल किशोर जी, आप 2022 में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि जो लड़ाई है वो प्रदेश की BJP और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है? नहीं, ये प्रश्न आपका बिल्कुल से गलत है। मैं प्राची इसमें मैं आपके साथ जो है इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने ये देखा कि इस समय उत्तर प्रदेश के कोई भी मुद्दे हों सिवाय कांग्रेस के अलावा कोई नहीं उठा रहा है। हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, प्रयागराज की, जहाँ पे आप बैठी हुई हैं। जून से प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर और अजय लल्लू के नेतृत्व में हम लोगों ने जो संघर्ष किया है प्रदेश के तमाम मुद्दों पर, उन मुद्दों पर आज हमारे जैसे कार्यकर्ता के खिलाफ 21 FIR हुई हैं और धरना हम नहीं कर सकते, प्रदर्शन हम नहीं कर सकते, ज्ञापन हम नहीं दे सकते हैं। किसी मुद्दे को उठाने के लिए हम को सरकार रोकती है और इसके खिलाफ सीधे जो है पुलिस का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटका देती है और हमें गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया था फिर से एक बार दोहरा दीजिए जी। प्रश्न मेरा ये है कि पता चल रहा है कि जो लड़ाई है वो प्रदेश की BJP और समाजवादी पार्टी तो के आप हाँ मैं समझ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर लड़ाई भाजपा और सपा की आप बताना चाह रही हैं तो सपा इस समय जनता की लड़ाई कहाँ लड़ रही है? लड़ तो रही है कांग्रेस। तो जनता कांग्रेस से जुड़ेगी कि सपा से जुड़ेगी? सपा तो मुझे उस भूमिका में नजर ही नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने सदैव जो है एक तरीके से बी टीम का काम किया है। आपको ज्ञात होगा, अगर आप पीछे याद करें 2014 का जो संसद का अधिवेशन था, आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव जो इनके सुप्रीमो रहे हैं पहले, इन्होंने तो नरेंद्र मोदी को यह आशीर्वाद दिया था कि मैं चाहता हूं कि आप अगले प्रधानमंत्री बन के फिर से आए। तो कहां समाजवादी पार्टी लड़ाई की भूमिका में है? समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के समय सदैव से समर्थन करती रही है। कैसे संभव हो सकता है कि वो उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से होगी? इस समय मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है जी। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, तो आप क्या मानते हैं टक्कर कांटे की होने वाली है? आम आदमी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव जी लड़ी जी। आपने देखा उसने क्या किया? उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर, 80 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था संसद का जी। और परिणाम क्या हुआ? कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 6000। देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उभरी पार्टी थी। कुछ नेता जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन में वहाँ बैठे थे,
वो समाज को गुमराह करने के लिए बैठे थे, और जब वो आंदोलन को कांग्रेस ने, जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उसने उनको महत्व दिया, उस महत्व के कारण आज ये उपजी है। दिल्ली में जहाँ की आबादी 1.5-2 करोड़ की है, वहाँ पर आपने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री करके सरकार बनाने का प्रयास किया और आप उसमें सफल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी आबादी की का राज्य है, यहाँ 22 से 23 करोड़ लोग हैं। आप बिजली फ्री, पानी फ्री और शिक्षा फ्री करने की बात करेंगे तो वो आप के लिए संभव ही नहीं होगा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। जी बिल्कुल। किशोर जी, मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप आज जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोकतंत्र खत्म किया गया है उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा, उसकी रक्षा के लिए आगे आए, जिस लोकतंत्र की लड़ाई के लिए 150 सालों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और कुर्बानी दी और उस लोकतंत्र को बहाल करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, आज वो लोकतंत्र पुनः खतरे में है। प्रदेश की जनता इस बात को समझे और उसको बरकरार रखने के लिए अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि जिस राज्य में या जहाँ की जनता अपनी बात को नहीं रख सकती, सरकार के द्वारा दबन किए हुए कार्यों के खिलाफत नहीं कर सकती, वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। और उसी को बरकरार रखने के लिए जनता को आगे आना होगा। इसलिए मेरा पुनः आह्वान है उत्तर प्रदेश की जनता से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए, जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है उसको बरकरार करने के लिए सरकार का विरोध करे, तभी पुनः जो है खुशहाली आ सकती है, पुनः देश उपदेश में अमन चैन आ सकता है। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर वार्ष्णेय जी से। किशोर जी ने हमें बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, वो किन तैयारियों के साथ मैदान में उतर रही है। साथ ही उन्होंने हमें ये भी बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम लेकर आएगी, तो हम इंतज़ार करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के। हम आपको आगे भी ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।